हाय फ्रेंड, आज हम आपको मार्केट जैसा घर पे भटूरा बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड चलिए बनाना स्टार्ट करें। और हम यहाँ पे आधा केजी मैदा ले लिए हैं छान के, और यहाँ पे हम आधा कटोरी दही का इस्तेमाल करेंगे, और आधा कटोरी हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम आधा चम्मच मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और अब हम इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे रिफाइंड। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा भटूरे का डो बन के रेडी है। अब हम इसमें रिफाइंड तेल लगा देंगे थोड़ा सा, और हम इसको गीले कपड़ों से ढक देंगे। अब हम इसको आधे घंटे तक ढक कर ही रखेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, मेरा आधे घंटे के बाद भटूरे का डो बन के रेडी है, अच्छी तरह से खिंच रहा है। तो हम इसी तरह से तेल लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मेरा डो कितना सॉफ्ट बना है। अब हम अपनी सारी लोइयां काट लेंगे इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड, हम इसी तरह से सारी लोइयां काट लेंगे, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और हम इसको गीले कपड़ों से ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड, हम इसको इसी तरह से घुमा घुमा के बेल लेंगे। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। आपके तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, जिससे हमारे भटूरे अच्छी तरह से फूलते हैं। तो देखिए, इसी प्रोसेस से अपने भटूरे बनाइएगा तो आपके भटूरे ज़रूर फूलेंगे और अच्छी तरह से बनेंगे। तो देखिए, हमारे भटूरे कितने फूले हुए और अच्छे लग रहे हैं। आपको इसी प्रोसेस से बनाना है, आपके भटूरे ज़रूर अच्छे बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मेरे भटूरे बन गए हैं। इसी तरह से हम सारे भटूरे बना लेंगे। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।